Hello friends, how are you all? Hopefully you all are doing great. So today we will start the test paper number 2 of biology. It is based upon the Monera kingdom. Okay, we have already finished I think 29 question, 28 or 29 question. So let us start today's video. So question number 1 or 30 is viruses are no more alive. Let me change the color. Viruses are no more alive than isolated chromosome because तो बोलते हैं वायरसेस जो होते हैं जैसे आइसोलेट क्रोमोसोम को अगर हम निकाल देते हैं तो उसकी तरह जो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं बिकॉज तो उसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए बोथ रिक्वायर द एनवायरनमेंट ऑफ अ सेल टू रेप्लिकेट. तो दोनों को रेप्लिकेट करने के लिए एक सेल चाहिए होता है जिसके अंदर वो रेप्लिकेट कर सकें बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी. ओके, दे रिक्वायर द मशीनरी ऑफ द होस्ट फॉर मल्टीप्लीकेशन. सो क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेज इज करेक्ट. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी, वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. तो वायरसेज जो होते हैं नॉन सेलुलर होते हैं और दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ठीक है, बाकी सारी फॉल्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 32, क्रोमोजोम इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर एंड. बोलते हैं क्रोमोजोम किसी बैक्टीरियल सेल में 1 से 3 हो सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए दे कैन बी सर्कुलर और सॉरी ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी दे आर ऑलवेज सर्कुलर. तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो जो क्रोमोजोम होते हैं बैक्टीरियल सेल के वो हमेशा कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट चलता है आपका क्वेश्चन नंबर 33, टोबैको मोजैक वायरस इज अ ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज. तो इसका जो साइज होता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी 300 × 18 नैनोमीटर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाई ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड. तो उनको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं, रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन करके उसको उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स. नेक्स्ट आता है आपका इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज. तो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या होता है? वी नो अबाउट दैट दैट इट इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल. उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36, प्लाज्मिड इज. तो प्लाज्मिड जो होता है दैट इज फ्रेगमेंट ऑफ DNA विच एक्ट एज अ वैक्टर. हमें पता है प्लाज्मिड्स जो होते हैं ज़्यादातर बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड्स होते हैं दे आर यूज एज वैक्टर्स. उसके बाद नेक्स्ट आता है 37th, इंटरफेरॉन आर सिंथिसाइज इन रिस्पॉन्स टू. तो इट इज़ वेरी इजी एंड कॉमन क्वेश्चन, इंटरफेरॉन किसके रिस्पॉन्स में जो सिंथिसाइज होते हैं. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज वायरसेस. नेक्स्ट आता है आपका वट इज़ ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया, क्वेश्चन नंबर 38. तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स. हमें पता है आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं सबसे ओल्डेस्ट लिविंग बींग है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपका क्वेश्चन नंबर 39, क्या बोलता है? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो होता है इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? तो इट कंटेन डबल स्ट्रैंडेड DNA. फिर आता आपका क्वेश्चन नंबर 40, इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया. तो ये होते हैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, एल्गी भी बोला जाता है इनको. तो इसमें क्या चीज़ें होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका, बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विच इंक्लूड ऑक्सीजन. ठीक है, एंड नाइट्रोजन इज क्यों आया? क्योंकि इसके हेल्प से क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो होती है एटमोसफेरिक नाइट्रोजन उसको फिक्स करते हैं. ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ. ठीक है, तो 41 में आ गया आपका व्हाट इज़ ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रॉप्स. तो इसके लिए ट्रू क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशंस एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, ये इसका राइट आंसर. फिर आया क्वेश्चन नंबर 42. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्मॉल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय वर्टिब्रेट सेल नेचुरली इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शंस एंड विच इनहिबिट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरसेज आर कॉल्ड. तो उनको क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन्स. फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43, तो
ये क्या बोलते हैं, फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट्स इन, तो ये हमने कल भी पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसमें होता है इनका क्रोमेटोफोर। नेक्स्ट, अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर ऑफ 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, दे बिलोंग टू, तो ये किसको बिलोंग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मैराइन हैबिटेट या आर्किबैक्टीरिया जो ग्रुप है उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 आता है आपका, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल, तो बैक्टीरिया का क्या रोल होता है कार्बन साइकिल में? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ दे हेल्प्स इन द डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करने में वो हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है, द हेडिटी मटीरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई, तो ई कोलाई में जो हेडिटी मटीरियल होता है वो क्या होता है? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट, तो इसका राइट आंसर है आपका बी स्टेटमेंट, दैट वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, हमेशा इसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, दोनों कभी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया है उसमें रेस्पिरेशन बेसिकली कहाँ होती है? मीजोजोम के अंदर। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैव, तो ईजी है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है इन्फ्लुएंजा वायरसेस के केस में। उसके बाद नेक्स्ट आता है 50th क्वेश्चन, इन बैक्टीरियल क्रोमोजोम द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स आर, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, बैक्टीरियल क्रोमोजोम में जो उनका न्यूक्लियोइड होता है दैट इज़ ऑलवेज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया, तो इसका राइट सॉरी आंसर है बी, एफ रेप्लिकॉन या एफ फैक्टर भी बोला जाता है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इंटरफेरॉन आर, तो ये हमने दो बार कर लिया, एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं, आ जाता है पर बाई चांस गलत भी कर देते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 53, द प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड जो होते हैं ये क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टोबैको मोजैक वायरस जीन्स आर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो टीएमवी वायरस होता है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गी इज ड्यू टू, तो ये होती है ड्यू टू द सेल वॉल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईकोलाई इज यूज एक्सटेंसिवली इन द बायोलॉजिकल रिसर्च, क्यों करते हैं उसको बहुत ज़्यादा यूज? बिकॉज इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट कल्चर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, तो 57th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सॉरी क्वेश्चन क्या है, जीनो फोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ, तो किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर सी, अ सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो ये हैप्लोइड होता है बट डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, बैक्टीरियल लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज, क्यों होती है? ड्यू टू ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज दे हैव नाइदर सिंगामी नॉर रिडक्शनल डिविजन। देन क्वेश्चन नंबर 59, द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया रिजाइड इन देयर, तो हमें पता है कि किसके बेसिस पे हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल, इसके लिए ग्राम स्टेनिंग की जाती है, उसमें अगर क्रिस्टल वॉयलेट रिटेन कर लेते हैं बैक्टीरिया देन दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इफ़ दे आर अनेबल टू रिटेन द कलर देन दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लास्ट क्वेश्चन, विच वन बिलोंग टू मोनेरा, सो इट इज़ ईजीएस्ट क्वेश्चन, इसमें जो इकोलाई है दैट बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। सो गाइज, दीज वर द टेस्ट पेपर सेकेंड, होपफुली दीज क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।